लगातार स्वागत है यूट्यूब चैनल में सभी हमारे इष्ट मित्रों का, बंधुओं का, गुरुजनों का। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हमारा छोटी बड़ी खबरों के साथ। हमारे स्थानीय विकास खंड रेवसा में और विधानसभा श्यौता में करीब 4 लाख के आसपास आबादी है, जहाँ पर मात्र 2 एम्बुलेंस हैं। वो भी एम्बुलेंस की व्यवस्था आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि इतनी जर्जर है, इतनी कबाड़ है कि वो मौके पे काम नहीं आ रही हैं। चालक उनके मजबूर हैं, क्योंकि आप हमारे पास कुछ वीडियोस हैं, आप देखेंगे कि उनकी एम्बुलेंस व्यवस्था रेवसा सीएससी की कितनी दयनीय और नाजुक हालत में है। कबाड़ हो गई हैं, जहाँ 3-4 लाख आबादी है वहाँ पे 2 एम्बुलेंस वो भी कबाड़ की स्थिति में पाई जा रही हैं, और विभागीय अधिकारी इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आए दिन एम्बुलेंस न मिलने से उनकी हालत जर्जर होने के कारण समय से मुहैया नहीं हो पा रही हैं तीमार मरीजों को। लोग जान तोड़ देते हैं और विभागीय अधिकारी या विभागीय अधिकारियों पर आंखों पर पट्टी चढ़ी हुई है, उनकी स्थितियों को ठीक कराने का नाम निशान नहीं लिया जा रहा है। उल्टे जो उनके चालक हैं और यहाँ उनके EMT लोगों को परेशान किया जा रहा है। अगर शिकायत सूत्रों की माने तो अगर वो लोग शिकायत करते हैं तो उनको ट्रांसफ़र करने की धमकियाँ दी जा रही, क्योंकि तरह तरह की वो अपनी शिकायत नहीं कर सकते, गाड़ियों की स्थिति को नहीं बयां कर सकते कि ये खबर कबाड़ हैं, काम नहीं कर रही हैं। मजबूर चाह कर भी मरीजों को लाया नहीं जा सकता, मरीजों की मदद नहीं की जा सकती। जब ज़्यादा कहा सुना जाता है तो उनको अपने आप से बनवाना पड़ता है, चालक और EMTओं को बेचारों को, और बनवा करके काम चलाया जा रहा है। इतनी दयनीय स्थिति है एम्बुलेंस रेवसा CSC में कि आप लोग वीडियोस के माध्यम से देखेंगे किस प्रकार से कहीं ख़राब हो जाती है तो उनको टोचन करके ले जाया जाता है। इतनी दयनीय स्थिति है, बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। जहां एक तरफ सरकार एम्बुलेंस की व्यवस्था मुहैया कराने और उनकी ढिंढोरा पीट रही है कि हर जगह एम्बुलेंस मुहैया है, लेकिन उनके आला अधिकारी जो जिम्मेदार हैं विभागी, वो उनकी आंखों पर पट्टी चढ़ी हुई है, उनकी तरफ ज़रा सा भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उल्टे उनके जो चालक और पायलट हैं उनको धमकाया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, क्योंकि किसी से जब बात की गई सूत्रों की माने तो उन्होंने अपना दर्द बयां किया कि वो अपनी शिकायत अगर करते भी हैं तो उनको लाने को धमकियाँ दी जा रही, क्योंकि ये स्थिति है एम्बुलेंस व्यवस्था की यहाँ पे रेवसा CSC में। इतनी कबाड़ हो चुकी है, इतनी दयनीय हो चुकी है कि वो चलने के काबिल नहीं हैं। निर्धारित किलोमीटर चलने के उपरांत भी जास्ती उनके साथ की जा रही है और जास्ती चलवाया जा रहा है विभागीय अधिकारियों के द्वारा। विभागीय अधिकारी जिम्मेदार बिल्कुल मौन हैं और उनसे अपनी शिकायत और दर्द एम्बुलेंस के बारे में बयान नहीं किया जा सकता, और अगर कोई करता भी है तो उसके साथ दुर्व्यवहार करने की धमकी दी जाती है, ट्रांसफ़र करने की धमकी, यहाँ तक कि ट्रांसफ़र कर देंगे ये है वो है, अनेकों धमकियाँ दी जाती हैं। क्योंकि नाम न छापने की शर्त पर कुछ कर्मचारियों ने बताया कि ये स्थिति है यहाँ रेवसा एम्बुलेंस की, और बताने की कहने की आवश्यकता ही नहीं, आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से रेवसा CSC की एम्बुलेंस व्यवस्था है, और ये रोड पे टोचन होकर जा रही है। ये शायद कहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मरीजों को लेने गई होगी और वहाँ से ख़राब होकर उसको मजबूर होकर टोचन करके लाना पड़ा। यही हालत 102 और 108 दोनों की स्थिति देखकर आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आए दिन टायर पंचर होता है, कहीं तो कुछ, कहीं लाइट, कहीं कुछ, आए दिन तकनीकी खराबी गाड़ियों में, एम्बुलेंस में आती रहती है, और उनकी स्थितियाँ जर्जर दयनीय हो चुकी हैं एम्बुलेंस की। लेकिन उसके बावजूद भी विभागीय जिम्मेदार मौन चुप्पी साधे हुए हैं।